आज हम पेज नंबर 38, 41, 44, 47 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, उसे समझेंगे अच्छे से। इससे पहले हम कुछ न्यू वर्ड्स को लर्न कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों ब्लैक बोर्ड में, आपको याद आया ये हमने पढ़ा है, राइट। और आपने ये लेटर्स बनाना भी सीखा है और इनके साउंड भी आपने लर्न किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, फिर हम अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बोलिए, के साउंड, क, एल साउंड, ल, एम साउंड, म, एन साउंड, न, ओ साउंड, ओ। ओके, वंस अगेन, के साउंड, क, एल साउंड, ल, एम साउंड, म, एन साउंड, न, ओ साउंड, ओ। अब हम इनके न्यू वर्ड्स लर्न कर लेते हैं अच्छे से। के फॉर की, के फॉर नाइफ, के फॉर कैटल, एल फॉर लैग, एल फॉर लीफ, एल फॉर लैम्प, एम फॉर मून, एम फॉर मैप, एम फॉर मिरर, एन, एन फॉर मेल, एन फॉर नर्स, एन फॉर नीडल, ओ फॉर ऑयल, ओ फॉर ऑनियन, ओ फॉर ऑक्टोपस। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। यू हैव टू कीप दिस वर्ड्स इन माइंड, आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये न्यू वर्ड्स ध्यान में रखना है बच्चों, ओके। अब हम अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ें, एक्सरसाइज करें। चलिए तो अपनी बुक लीजिए बच्चों, पेज नंबर आप खोलिएगा 38। सो डियर चिल्ड्रन, टेक द पेज नंबर, आप पेज नंबर लीजिए 38। 38 में हम क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द लेटर विच द नेम ऑफ द पिक्चर बिगिंस विथ। सर्कल द लेटर विच द नेम ऑफ द पिक्चर, नेम ऑफ द पिक्चर्स बिगिंस विथ। नेम ऑफ द पिक्चर्स का मतलब ये पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर्स का नाम क्या है और इसकी शुरुआत नाम है पर इसकी शुरुआत कैसे होती है वो आपको बताना है। तो इस पिक्चर का नाम क्या है, एंट, एंट। तो इसका शुरुआती लेटर क्या है, तो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हैं बॉक्स में, तो इस पिक्चर का नाम है एंट। तो एंट किससे शुरू होता है, ए से, एफ से, नो, जी से, नो, ए से। तो बच्चों एंट, ये एंट है, तो एंट ए से शुरू होता है, तो ए पर आप क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। अब ये है कैरोट, 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 इसका नाम है कैरोट, और कैरोट शुरू होता है सी से, तो आप सी पे सर्कल बना दीजिए बच्चों। और काइट, काइट, के फोर क्या होता है, काइट, तो देखिए यहाँ पे के है ना, तो के फॉर काइट होता है, तो आप के पे सर्कल बना दीजिए। नेक्स्ट ये है कैटल, के, के, के फॉर कैटल, तो देखिए के कहाँ है, यहाँ, तो हम के पर सर्कल बना देंगे, ओके। सभी पर सर्कल नहीं बनाना है, जो पिक्चर दी गई है उन्हीं पिक्चर के नाम पर सर्कल बनाना है, तो के फॉर कैटल होता है, तो हमने के फॉर कैटल पे सर्कल बना दिया है। अब नेक्स्ट है, ये है हॉर्न, एच फॉर हॉर्न होता है, एच फॉर हॉर्न,
तो देखिए कहाँ है एच, हियर तो एच फॉर हॉर्न होता है, तो आप यहाँ पे सर्कल बना दीजिए एच फॉर हॉर्न। अब ये पिक्चर देखिए बच्चों, बी फॉर बलून, ये क्या है, बी फॉर बलून है, बलून, तो बलून बी से शुरू होता है ये, तो आप इस पर सर्कल बना दीजिए। नेक्स्ट ये पिक्चर किसका है, किंग, किंग के फॉर किंग, ये किंग है, इसका बिगिनिंग लेटर क्या है, के, के, के फॉर किंग, बिगिनिंग लेटर, शुरुआती लेटर किंग का के है। अब ये है एनवलप, ये क्या है, एनवलप, एनवलप है, तो इसका एनवलप का शुरुआती लेटर ई होता है, तो आप इस पर सर्कल बना दीजिए। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये साथ ही इसमें न्यू वर्ड्स दिए हैं जो शुरू होते हैं के से, तो हम देख लेते हैं, के फॉर कंगारू, के फॉर कंगारू, के फॉर की, के फॉर किक, के फॉर किक, के फॉर काइट, के फॉर नी। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आप पेज नंबर 41 में फर्स्ट क्वेश्चन, कलर द बॉल हैविंग मार्क्ड एल, आपको क्या करना है बच्चों, ये बॉल्स बनी हुई हैं, जहाँ पर आपको एल लेटर मिलेगा उस पर आपको कलर करना है, क्या करना है, कलर, कलर से मार्क्ड करना है। मैं अभी पेंसिल से कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे एल लेटर है तो आप कलर से ऐसे मार्क्ड कर दीजिएगा इस तरह से, यहाँ पे एल लेटर है तो कलर से आप मार्क्ड कर देंगे इस तरह से। ओके, आया समझ में, तो आप इसे कर लीजिएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बोल्ड लेटर्स इन बिग एंड स्मॉल फॉर्म, बोल्ड लेटर, यहाँ पे बोल्ड लेटर ई, यहाँ पर कंगारू में बोल्ड लेटर जी, जो कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ये है बोल्ड लेटर, ये क्या है, बोल्ड लेटर, जो कलर रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जे ए एल, ये बोल्ड लेटर है, तो आपको इन्हें बिग लेटर में लिखना है और स्मॉल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे जी है तो आप लिख दीजिए कैपिटल लेटर जी एंड स्मॉल लेटर जी, और यहाँ पर भी कैपिटल लेटर ई, यहाँ ई है ना रेड कलर में इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे बोल्ड लेटर डी, बोल्ड लेटर डी है तो कैपिटल बिग लेटर डी एंड स्मॉल लेटर डी आप लिख दीजिए, यहाँ पे बोल्ड लेटर में जे है, बोल्ड लेटर कौन सा है, जे, तो आप यहाँ पे कैपिटल जे, बिग लेटर जे बना दीजिए एंड स्मॉल लेटर जे, यहाँ पे बोल्ड लेटर कौन सा है, ए, तो आप यहाँ पे कैपिटल लेटर ए बना देंगे और स्मॉल लेटर ए। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें बोल्ड लेटर कौन सा है, एल, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो है बोल्ड लेटर, यहाँ पे बना दीजिए कैपिटल एल एंड स्मॉल लेटर एल। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 में आपको करना है बच्चों, सर्कल द लेटर एम, ये आपको करना आता है बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें आपको एम लेटर को ढूंढना है, इन सब में, इन सारे लेटरों में सिर्फ एम लेटर ढूंढना है, वो भी दोनों लेटर आपको ढूंढना है, बिग वाले लेटर और स्मॉल वाले लेटर, दोनों लेटर आप ढूंढिएगा। ये मैं आपको एच डब्ल्यू दे रही हूँ, ये आप करेंगे कंप्लीट, फिर भी मैं आपको एक करके बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, देखिए अच्छी तरह से समझिए, यहाँ पे पूरी लाइन में देखिए एम लेटर कहाँ है, यहाँ, तो आप इस पे क्या कर देंगे, सर्कल,
और भी एम लेटर हैं। अब देखिए हम स्मॉल एम ढूँढे, देखिए कहाँ है हमारा स्मॉल एम, यहाँ। तो हमने यहाँ पर सर्कल बना दिया, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो और भी एम ढूँढिए बच्चों, देखो यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ यहाँ। तो जितने आपको एम लेटर नज़र आए आप उन पर सर्कल बना दीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। से द वर्ड्स लाउड, राइट द फर्स्ट लेटर इन बोथ बिग एंड स्मॉल फॉर्म। आपको इन वर्ड्स को लाउडली बोलना है, राइट द फर्स्ट लेटर, और फिर लाउडली बोलने के बाद आपको इन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में लिखना है, बिग फॉर्म में लिखना है और स्मॉल फॉर्म में लिखना है। तो ये है आपका फर्स्ट लेटर, तो आप लिख दीजिए बी, ब्रेड, ब्रेड का फर्स्ट लेटर बी, और साथ ही आपको लिखना है स्मॉल लेटर बी। नी, नी का फर्स्ट लेटर के, और साथ ही आपको लिखना है स्मॉल लेटर के। कॉबलर, कॉबलर का फर्स्ट लेटर सी, तो आप लिख दीजिए कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। आइलैंड, आइलैंड का फर्स्ट लेटर आई, कैपिटल आई, बिग लेटर आई फर्स्ट लेटर है आइलैंड का, तो आप बिग लेटर आई लिख दीजिए और साथ ही स्मॉल आई। डांस, डांस, डांस का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर है ना, तो आप लिखेंगे डी और साथ ही स्मॉल लेटर डी। हैंगर, हैंगर, हैंगर में फर्स्ट लेटर ये है ना एच, तो एच लेटर आप लिख दीजिए कैपिटल एच, बिग लेटर एच एंड साथ ही आपको लिखना है स्मॉल एच। ईगल, ईगल में फर्स्ट लेटर कौन सा है, ये नो, ये नो, ये है राइट, ये है हमारा फर्स्ट लेटर ई, तो आप लिख दीजिए ई एंड साथ ही स्मॉल लेटर ई। मून, मून में फर्स्ट लेटर कौन सा है, जी हाँ, आप लिख दीजिए कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ओके। अब हम इनके न्यू वर्ड्स भी लर्न कर लेते हैं साथ ही। लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स बिगनिंग विथ एम, एम से शुरू होने वाले वर्ड्स। तो देखिए एम से शुरू होने वाले वर्ड्स, मैरी गोल्ड, एम से शुरू हुआ है ना मैरी गोल्ड, यहाँ पे भी एम से शुरू हुआ है। मॉस्किटो, मॉस्किटो, ओके, यहाँ पे पिक्चर देखिए एम से शुरू हुआ है। मनी, मनी, ओके, अब ये है मॉस्क्यू, एम फॉर मॉस्क्यू, एम फॉर मैरीगोल्ड, एम फॉर मॉस्किटो, एम फॉर मनी, एम फॉर मॉस्क्यू, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। आप पेज नंबर लीजिए बच्चों 47, 47 में आप सर्कल द वर्ड्स विच हैव एन, आपने ये सर्कल द वर्ड्स हैविंग वाली एक्सरसाइज की है बच्चों। इसमें आपको एन, जिन वर्ड्स में आपको एन लेटर दिखाई देंगे उस पर आपको सर्कल बनाना है। तो मैं आपके लिए, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे दूं, आप कर लेंगे, तो ये आप कीजिएगा। एक आप कर, एक मैं आपको करके बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे इंजिन है, ये इंजिन है, ई एन जी आई एन ई, तो देखिए यहाँ पे एन लेटर है, तो हम क्या कर देंगे इसको सर्कल। अब आप देखिए यहाँ पे एम ए एन जी ओ, मैंगो, यहाँ पे एन लेटर है ना, तो आप क्या कर देंगे इसमें सर्कल। और बाकी ऑरेंज, आप देखिएगा कि ऑरेंज में एन लेटर है क्या, है, बाकी सब में आप देखिएगा इन सब में एन लेटर है या नहीं, जिसमें जिन वर्ड में एन लेटर होंगे आप उस पर सर्कल बना दीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब जॉइन द लेटर
एन, कैपिटल एन स्मॉल एन विद द सेम लेटर ऑन योर राइट, ये आपके राइट साइड में है, तो आपको कैपिटल एन को एन से मैच करना है. तो कैपिटल एन को कैपिटल एन से मैच करेंगे सेम लेटर से, स्मॉल एन को आपको स्मॉल लेटर से मैच करना है. ओके, तो ये मैचिंग आपको करना आता है, तो आप बच्चों इसे आप करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, आपने समझा, कैपिटल एन को कैपिटल एन से मैच करेंगे, सेम लेटर है ना, और स्मॉल एन को स्मॉल एन से मैच करेंगे, ये सेम लेटर है. ठीक है, तो आप मैच कीजिएगा. ओके, अब राइट द स्मॉल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स. स्मॉल फॉर्म आपको लिखना है, छोटी ए बी सी डी लिखना है. फॉलोइंग लेटर्स, ये जो लेटर्स आपको दिए गए हैं ये कौन से फॉर्म में है, कैपिटल लेटर में है, तो आपको इनका स्मॉल फॉर्म लिखना है. तो देखिए, कैपिटल जी का स्मॉल फॉर्म कैसे लिखते हैं, स्मॉल जी ऐसे, तो आप लिखेंगे ना, और कैपिटल एच का स्मॉल एच ऐसे, कैपिटल जे का स्मॉल जे ऐसे, स्मॉल जे, कैपिटल एल का एल इस तरह से. ये दो आप कंप्लीट करेंगे बच्चों, ये आप लिखिएगा. ओके, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. नेक्स्ट, लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स बिगनिंग विथ एन. अब यहाँ पे भी हम एन से शुरू होने वाले वर्ड्स देखेंगे. तो देखिए, एन फॉर नेक, ये होता है नेक. एन फॉर नील, नेल इसे बोला जाता है, नील. एन फॉर नेस्ट आपको सभी को मालूम है, ये एन फॉर नूडल, एन फॉर नूडल. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं. पेज नंबर लीजिए 50. जॉइन द सेम लेटर्स विथ लाइन. आपको सेम लेटर्स पर जॉइन करना है और लाइन के साथ लाइन बनानी है. तो सेम लेटर्स आप देखिए, यहाँ पर एक आपके लिए किया हुआ है, ये है कैपिटल एन स्मॉल एन. तो कैपिटल एन और स्मॉल एन को आप सेम लेटर से लाइन बनाएंगे. तो देखिए, यहाँ पे भी हम जॉइन कर देते हैं इसको, ये सेम लेटर है ना, तो इसे जॉइन कर दिया गया है. तो हम दूसरा देखते हैं, एम एम, ये भी एम एम एम. तो देखिए यहाँ पे कहाँ है, यहाँ, तो आप इसे जॉइन कर दीजिए लाइन बनाकर इस तरह से. ये एल एल आप ढूंढिए कहाँ है, देखिए यहाँ, तो आप इसे भी जॉइन कर देंगे इस तरह से. बच्चों ये जैसे आप मैचिंग करते हैं ना, उसी तरह है. तो आपको सेम लेटर को सेम लेटर से जॉइन करना है. ये सेम लेटर्स हैं, ये भी सेम लेटर्स हैं, तो आप इसे जॉइन कर दीजिएगा. ठीक है, ये सेम लेटर है जे, यहाँ पर आपको सेम लेटर मिलेगा जे, तो आप इसे क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे ना. ये आई है, आप आई ढूंढिए कहाँ है आई, यहाँ, ये आई सेम है ना, तो आप इसे भी जॉइन कर दीजिएगा. ओ देखिए, ओ कहाँ है, यहाँ, तो आप इसको और इसे जॉइन कर देंगे. ठीक है, तो ये भी इजी है, तो आप इसे, मैं आपको एच डब्ल्यू दे रही हूँ, ये आप करेंगे. ओके, आपको समझ में आया ना. अब देखिए, ये भी आपको करना आता है, मैचिंग, मैच द स्मॉल लेटर्स विद द बिग लेटर्स, ये तो आपको आता ही है. तो एक मैं आपके करके बता रही हूँ, बाकी इसे भी आप होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है. तो देखिए, स्मॉल एन को आपको बिग लेटर एन से मैच करना है. तो देखिए यहाँ पे स्मॉल एन कहाँ है, स्मॉल एन को आपको बिग लेटर से मैच करना है. तो स्मॉल लेटर को हम बिग लेटर एन के पास ले जाएं, कहाँ है, देखिए मैं ले जा रही हूँ यहाँ, देखा. अब स्मॉल बी को हम
बिग लेटर बी से मैच करेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए आप बी को हम ले गए कैपिटल बी, बिग वन बी के पास। ये भी बी है, ये भी लेटर बी है ना। तो आप कर देंगे ना बच्चों इस एक्सरसाइज को कंप्लीट, तो आप कीजिएगा। ओके, कंप्लीट करने के बाद इन एक्सरसाइज को आप अलग से प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों, ठीक है। और आपको लर्न भी करना है, सीखना है इन एक्सरसाइज को अच्छे से, तो आप सीखिएगा। ओके, थैंक यू।